हिमाचल से बिलोंग करती। पॉल ने फोटोशूट के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। फोटोशूट के बाद उसने कॉफी के लिए अपने घर पर बुलाया। घर पर उसने सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जब मेरी आँख खुली तब छोड़ूंगी नहीं तुझे, देखना तू। क्या कसूर था उन लड़कियों का? यही कि उन्होंने तुम पर भरोसा किया, या फिर ये कि वो छोटे शहरों से आई हुई मिडिल क्लास लड़कियां थी और उन्होंने एक बड़े शहर में कुछ करने का, कुछ बनने का सपना देखा था। क्या उनको सपने देखने का अधिकार नहीं है? या वो जब भी सपने देखेंगी तो तुम जैसे लोग उनकी इनोसेंस का फायदा उठा के उनके हर सपने को कुचल दोगे? नहीं, नहीं होगा ऐसा। तुम जैसे लोगों के वजह से हम मिडिल क्लास लड़कियां सपने देखना बंद नहीं करेंगी। तुम अगर हमारी इज्जत पे हाथ डालोगे तो हम तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। ये जो शराफत का मास्क पहन के बैठा हूं ना, तेरा ये मास्क लौट डालेंगे। इसका दिमाग खराब हो गया है, ये कुछ भी बोले जा रही है। तनु, मैंने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है तुमको, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज, आई प्रॉमिस। अपने पति के खिलाफ खड़ी होगी तो तनु की शादी दाव पे नहीं लग जाएगी? लग जाने दो दाव पे, ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा तो अकेला रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने यामिनी भाभी, है ना अर्शद? तो फिर पूरी बात सुनी बिना बीच में बोली? अरे मैं तनु के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि वो अपनी शादी दाव पे लगाने के लिए तैयार होगी। तनु जी, डू यू रियली वॉन्ट टू लिव विद दिस मैन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आप ये गलती फिर से दोहराना चाहती है क्या? आप अपनी बेटी को ऐसा घर और ऐसी सोसाइटी देना चाहते हैं जहां पर ऐसे मर्द रहते हैं? अगर हाँ, तो बाय चांस आपके और आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए तो इस सोसाइटी को दोष मत देना, क्योंकि ये सोसाइटी किसी और की नहीं, आपकी ही बनाई हुई होगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ऐसी सोसाइटी और ऐसा समाज ना बने जहां ऐसे लोग रहते हैं, तो आपको ये भूलना होगा कि ये आपके हस्बैंड हैं। हस्बैंड भी कैसा, जो ओपनली सारी लड़कियों को बोलता है कि आपका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और इसलिए आप इसको अकेला छोड़ के अपनी बेटी को लेके चली गई। उसके बाद ये आदमी रोता है कि ये बहुत अकेला है और इसको किसी का साथ चाहिए। ऐसी झूठी सॉफ्ट स्टोरी सुना के लड़कियों को फंसाता है और आपको बदनाम करता है। आप ना तो इसका भरोसा कीजिए और ना ही इसका साथ दीजिए। आप ही बताइए, कल जब आपकी बेटी बड़ी होगी और उसे कोई ऐसा मिला तो क्या करेंगे आप? पछताएंगी, बहुत पछताएंगी आप, क्योंकि मॉलेस्टर को बचाना मतलब वैसे ही किसी मॉलेस्टर को पैदा करना। वो मासूम लड़कियों को ये मान के मॉलेस्ट करेगा कि आप जैसा कोई आके उन्हें बचा के ले जाएगा। What are you doing? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। तुम
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग पहले खराब था, अब पूरी अक्कल आई है। मैं अपनी बच्ची को खुद बड़ा करूंगी। थैंक यू तनु जी। सखी कहाँ हो बेटा, कब से फोन कर रहे हैं? मम्मा बताती हूँ, दो मिनट। मिस्टर मॉलेस्टर को हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट देना चाहती हूँ। दे दूँ क्या? दे दो। अब ये मेरा क्या लगता है, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नाइस। नई सोच से नए साल की शुरुआत के लिए हैप्पी न्यू ईयर। नहीं आई मीन टू से कि अगर ये पार्सल 23 साल से हमारे गोडाउन में पड़ा है तो हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? लेकिन सर पिछले 20 साल से हमारा पुराना गोडाउन ऐसे ही पुराने फाइल्स और डॉक्यूमेंट से भरा पड़ा है, उसकी तो साफ सफाई भी नहीं होती, इसलिए वहां कोई जाता भी नहीं। सर क्या मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 साल पहले आपके पिताजी ने दिल्ली की एक लोकल कुरियर दलेर कुरियर कंपनी को एक्वायर करके P2P के साथ मर्ज किया था। Yes. है ना? तो अगर आप अपने पिताजी से इस पार्सल के बारे में पूछेंगे तो शायद उन्हें कुछ पता हो, उनसे कोई सुराग मिल जाए। हाँ मैं डैड को आज ही फोन करती हूँ और इसके बारे में सारी डिटेल्स निकालती हूँ। तब तक आप ये डिब्बा अपने पास रखिए। घड़ी चल रही है। It's a good sign. क्या है बंधु, राजू अभी तक नहीं आया, देखो कितनी चाट की तैयारी करके रखी हुई है। बस आते ही होंगे माँ। ये लीजिए, नाम लिया और हाजिर। अथर्वा पानी लेकर आओ डैडी के लिए। हाँ कितना टाइम लगा दिया, क्या हुआ? चार्जर फिर से गुम हो गया क्या? लगता है इसे चार्जिंग की जरूरत है। राजू ओवर टाइम मत कर, सेहत का ख्याल रख। अरे बाबा ऑफिस से थक हार के आया है, आते ही तुम लोग शुरू हो गए, हद हो गई। रिलैक्स करने दो बेचारे को, फिर से पूछ लेना, बताएगा कि वो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई है या फिर से चार्जर ही खो गया है। डैडी हाँ, हुआ क्या है? ऑफिस का कोई स्ट्रेस है? आज ऑफिस में एक अजीब किस्सा हुआ। क्या हुआ? कुछ पार्सल्स मिल नहीं रहे थे तो ऑफिस में ढूंढा, फिर चंदू से मैंने कहा कि गोडाउन में जाकर चेक करो, तो गोडाउन में एक पुराना कुरियर मिला, पार्सल मिला जिस पर सेंडर का नाम नहीं था, एड्रेस जो था वो मिट चुका था, मतलब इट वाज दैट ओल्ड। तो डैडी आप वो पार्सल खोलकर चेक नहीं कर सकते? नहीं नहीं चेक किया ना मैंने। एक मिनट अथर्व, जस्ट गेट द बैग। और उसमें ये डब्बा मिला। इस डब्बे में एक मां को भेजा हुआ खत है। कम ऑन डैडी, आजकल के वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के जमाने में कोई माँ को खत क्यों लिखेगा? कम ऑन। हाँ और एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे कितने सारे ऐप्स हैं। हाँ खत लिखना इज वेरी चे, सीरियसली। एक मिनट, ये आजकल का खत नहीं है, ये 23 साल पुराना खत है। 23 साल? हाँ 23 साल। तुम्हारे ऑफिस के गोडाउन में एक 23 साल पुराना पार्सल पड़ा हुआ है और किसी को पता ही नहीं इस बारे में। चिट्ठी में देखो ना, कहीं कुछ नाम पता कुछ तो लिखा होगा। हाँ सोल्जर ने खत में अपने नाम की जगह सिर्फ तुम्हारा लाल ये लिखा है।
राजू, हर माँ के लिए ना बेटा लाली होता है। देखना, बेचारी 23 साल से इंतजार कर रही होगी ना उसके खत का। मनु, मुझे पता है लेटर पढ़ने के बाद क्या फील हो रहा है। क्या इस माँ को पता होगा कि इसके बेटे ने लड़ाई शुरू होने से पहले उसे ये खत लिखा था? I think तुम्हें ना सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लेटर, इनफैक्ट मतलब ये चीजें तुम्हारे ऑफिस में 23 साल पहले कैसे आई, कहाँ से आई। क्या मैम, अपने पापा से पूछ कर पता करेंगे। होपफुली उस पुरानी कुरियर कंपनी के रिकॉर्ड से कोई सुराग मिल जाए। माँ, तुमने कहा था वैसा लॉकेट बनाकर भेज रहा हूँ। लॉकेट में एक तरफ भारत माता है तो दूसरी तरफ मेरी माता का फोटो है। इस लॉकेट को संभाल कर रखना और साथ में मेरी घड़ी भी इस डिब्बे में भेज रहा हूँ। जय हिंद, तुम्हारा लाल। क्या हुआ, सोए क्यों नहीं हो? हाँ, सब ठीक है ना? उस सोल्जर का खत मेरे दिमाग से जा नहीं रहा बंधु। उस खत का हर एक शब्द, हर एक लाइन मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही है। सब ठीक हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो। टेंशन कैसे ना लो, एक सोल्जर का पार्सल उसकी माँ को वक्त पर नहीं मिला है। मेरी और मेरी कंपनी का बहुत बड़ा फेलियर है। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना? तुमने P2P ज्वाइन किया और ये तो उसके पहले का पार्सल है। हाँ, मैं मानता हूँ जॉब ज्वाइन करने से पहले का ये पार्सल है, लेकिन जब तक उस सोल्जर की माँ का पता लगा कर उसको ये पार्सल नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।